नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे हैं नेशनल खबर। मैं हूं श्वेता अर्चन। एक बहुत बड़ा मसला है। गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि सुनामी जो आई है कोरोना की, उसके पीछे वजह क्या है? क्या ये सरकार की लापरवाही है? क्या अगर सरकार मुस्तैद रहती तो इसको रोका नहीं जा सकता था? क्या इसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता था? क्या राज्य सरकार केंद्र और कोर्ट दोनों को ही नहीं सुनना चाह रही है? ये एक बड़ा मसला है, एक बड़ा सवाल है जो गुजरात सरकार पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए, कोरोना जिस तरह से फैल रहा है, प्रसार हो रहा है, उस पर खुद से संज्ञान लेते हुए ये सवाल किया सरकार से कि खिंचाई की, सरकार को आड़े हाथों लिया। वैसे तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ये मसला जो है ये सिर्फ गुजरात का नहीं है, देखा जाए तो पूरे देश का हो चुका है। उत्तर प्रदेश हो, योगी आदित्यनाथ संक्रमित हो जाते हैं, अखिलेश यादव संक्रमित हो जाते हैं, वीवीआईपी जो है। मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, हर जगह, पंजाब हो, आलम एक ही है। लेकिन ये मसला, ये खबर जो है ये गुजरात की है, इसलिए मैंने इसे गुजरात से शुरू किया है। वैसे देखा जाए तो हर प्रदेश में, हर राज्य में अस्पताल से लेकर शमशान तक लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, लाशों के साथ कतारें लगी हुई हैं, 8-8 घंटे की वेटिंग है लाशों को जलाने के लिए। परिजन मजबूर हैं लाशों के साथ रहने के लिए। संक्रमित लाशें जो है, जो कोविड संक्रमित लाशें हैं, उनके साथ रहने को मजबूर है। क्या ये सरकार की लापरवाही है? जिस तरह से हाई कोर्ट ने गुजरात सरकार पर सवाल उठाया है, उसके बाद ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह है सरकार के ऊपर कि सरकार क्या चाहती, मुस्तैद होती और अलर्ट रहती तो इसको रोका नहीं जा सकता था। सरकार से ये भी पूछा हाई कोर्ट ने कि बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन की कमी जो है, या फिर आप कहिए वैक्सीन की कमी, या तमाम ऐसी चीजें, अगर सरकार ने इसको समय रहते हैंडल कर लिया होता तो क्या लोगों की लाइनें इस तरह लगी होती? लोगों को दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती? लोगों को अस्पताल में जगह नहीं मिलती? उनको भर्ती करने के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक चक्कर लगाना पड़ता है? इस बारे में अगर हाई कोर्ट ने खुद से संज्ञान लेते हुए सवाल खड़ा किया है, तो ये सवाल सिर्फ गुजरात सरकार के लिए नहीं है, ये सवाल हर प्रदेश को समझ लेना चाहिए। जिस तरह से आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं राज्य सरकारों के द्वारा, यहां तो मैं गुजरात की बात कर रही हूं, हाई कोर्ट ने भी कहा है कि जो आधिकारिक आंकड़े सरकार ने प्रस्तुत किए और जो आंकड़े शमशानों से मिल रहे हैं, उसमें इतना बड़ा अंतर है। अंतर साफ है, क्योंकि लोगों की जो लाइनें लगी हुई है वो सच्चाई बयां कर रहे हैं। यही आलम आप देखिए मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में मैं आपको बताना चाहती थी कि किस तरह से आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सरकार ने कहा कि 27 लोगों की मौत हुई है, सरकारी बुलेटिन में कहा गया था 2 दिन पहले। लेकिन वहां के भदभदा शमशान में आप देखिए 41 लोगों की अंत्येष्टि हुई थी। अगर 27 लोगों की मौत हुई, 41 लोगों की अंत्येष्टि होती है, किस तरह के आंकड़े हैं? क्या ये सीधा सीधा सरकार पर सवाल नहीं है कि आप लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं? ये एक समय, जाहिर सी बात है, संकट का समय है, जिसमें सरकार भी जूझ रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, हर कोई जूझ रहा है, हर कोई चाहता है कि इस बीमारी से मुक्ति मिले, मैं, आप, हर कोई। लेकिन जनता को सही फिगर पहुंचाना चाहिए, जनता को सही पिक्चर जो है, सही तस्वीर जो है, वो सरकारों को प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि जनता भी, लोग भी, आवाम समझ सके कि वास्तविक स्थिति क्या है। उनके सामने वस्तु स्थिति प्रस्तुत होनी चाहिए ताकि वो अलर्ट रहे। हालांकि वैसे भी स्थिति चाहे जो भी हो, जिस भी तरह के आंकड़े आ रहे हो, भयावह है, और हर कोई ये समझ रहा है कि ये मौजूदा हालात जो है वो, या तो आप घर में रहें, और अगर किसी कारणवश आपको बाहर निकलना पड़ता है तो आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइज करें, ये जो तमाम प्रोटोकॉल है उसका पूरी तरह से पालन करें, उल्लंघन ना करें, क्योंकि स्थिति खराब है। अगर आप मेरी राय से सहमत हैं कि सरकारों को सही पिक्चर जनता को देना चाहिए, अगर सरकार चाह ले तो
तो बहुत कुछ डाला जा सकता है। इतना बड़ा आंकड़ा आ जाता है कुंभ के मेले से, इतना बड़ा आंकड़ा आ जाता है चुनाव के सरगर्मी के बीच से, तो सवाल सीधा सीधा हर किसी पर उठता है। लेकिन सवाल करे तो कौन, किस में हिम्मत है कि वो सरकार के खिलाफ सवाल कर सके। मैं कर रही हूँ, अगर आप मेरे साथ हैं तो आप इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।